सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय परहि सम पाई सहस बदन तुम रोज जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुगीवर कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर मानु मिल्यो ताहि मधुर बल जानू प्रभु निकारे मुख माई जल दिलान गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते काम दुआरे तुम रखवारे हो तना गया बिनु पैसारे
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक गाहु को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब भर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असमर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जारी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजै नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो राम। मंगल मूर्ति रो राम, लखन सीता सही। हृदय बसौ सुर भूप सियावर राम चंद्र की जय। सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोल गौ माता की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जननी जानकी महारानी की जय। शेषावतार लक्ष्मण महाराज की जय। करणी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गौ माता की जय। समुद्र मंथन से
वो लोटा भर के वो लोटा वहां से सामने
वैसे पैंट पैंट ओपन नहीं पैंट ओपन नहीं
कपित जम्बु फल चारु भक्षणम् उमासुतम् शोक विना श्री गुरु चरण सरोज रज वसुदेव सुतम् देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूते सुकर्णी रूपेण सनस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः नमोस्तु शशिसंकासं नमस्ते जगत्पते नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शक कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि बोलिए पूज्या गौ माता की नंदी बाबा की श्री सद्गुरु दाता की सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की हनुमान जी महाराज की श्री भैरवनाथ की जगदम्बे मात की करणी मैया की बस्ती नगर की माता पिता गुरुदेव की गौशालाओं की गौ भक्तों की गौ रक्षकों की माता रानी भटियाणी की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनी वंदनी पूजनी गुरुदेव भगवान को वंदन सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी गौ माता को प्रणाम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता नंदी बाबा को वंदन। इस धर्म सभा में विराजमान आप सभी ईश्वर प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं बहनों और बाल गोपालों के सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम। जिन सज्जनों ने जिन भाइयों ने जिन बहनों ने विषम परिस्थितियों में कलयुग की इस कठिन घड़ी में जहाँ महामारी अपना प्रभाव दिखा रही है और शासन की तरफ से सत्संग में व्यवधान आ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी सत्य को स्थापित करने के लिए धर्म की धारा अविरल बहती रहे, उसमें बाधा नहीं आए, इसलिए आपने प्रयास करके इस सुंदर और श्रेष्ठ आयोजन को करने का भाव मन में लाया। आपकी इस भाव को, आपके पुरुषार्थ को, आपकी प्रेरणा को वंदन। मेरे भाई बहनों, आज आप गौ कथा सुनने जा रहे हैं। थोड़ा इको कम कर लो भैया, इफेक्ट कम कर लो। इसे राम जी की कृपा का प्रसाद मानिए। मानवीय पुरुषार्थ से या मानवीय प्रयास से सत्संग नहीं होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक मानव को सत्संग मिलेगा नहीं, तब तक उसका विवेक नहीं जग सकता, और विवेक जब तक जगेगा नहीं, वो विधि और निषेध को समझ नहीं पाएगा, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो समझ ही नहीं सकता।
विवेक का सीधा सा अर्थ है ऐसी बुद्धि जिसको प्राप्त करने के बाद मानव यह जान लेता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जानने के बाद मान लेना। जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। जानने को दुनिया का हर शराबी जानता है कि शराब खराब है। शराबी को पता है कि मैं शराब पीऊंगा तो शरीर बिगड़ेगा, आधी उम्र में मरना पड़ेगा। शराबी ये भी जानता है कि मेरा परिवार बिगड़ेगा, कई शराबियों की पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं। शराबी ये भी जानता है कि पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कईयों के घर गवारी महल बिक गए। उसको पता है कि मेरी इज्जत भी जाएगी। चार लोगों के बीच में शराबी कोई बात रखना चाहते हैं उसको 10 लोग डांट देते हैं, बैठ जा दारूडी हो थारो का ही भरोसा। सच है ना, वो इन सब बातों को जानता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है, सब कुछ पता है, वो जानता है लेकिन मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने की बुद्धि उसके पास है, मानने का विवेक उसके पास नहीं है। जिस दिन विवेक जग गया ना तो किसी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी उपदेश की, छूट जाएगा। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि विवेक बनेगा कैसे? उसके लिए कहा कि सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग मिलेगा कब? राम कृपा बिन सुलभन सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक मिल ही नहीं सकता। संयोग मिलाना चाहे तो भी नहीं मिलता है। ये जो अद्भुत संयोग ईश्वर कृपा से मेरे भाई बहनों, मध्य में जलजुलनी एकादशी भी आ रही है और पवित्र तिथियों से भरा ये संयम भरा समय हम लोगों के जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग खोल सकता है। एक क्षण का सत्संग मनुष्य को अध्यात्म जगत की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सत्य का साथ ही वस्तुतः सत्संग है। सत्संग की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। जहां बैठ करके हम सत्य को समझ जाएं, सत्य का वास्तविक स्वरूप भी ईश्वर है। सत्य का संग मिलते ही के मनुष्य के जीवन की उन्नति होती है और कु का संग मिलते ही के मनुष्य के जीवन की अवनति हो जाती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र में जल की बूंद अगर केले के पेड़ के बीच में गिर जाए तो कपूर बन जाती है, वही अगर सीप में गिर जाए तो मोती हो जाती है, और दुर्भाग्यवश भुजंग के यानी कि नाग के मुंह में चला गया तो जहर बन जाता है। जल तो वही। तुलसी बाबा ने कहा है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच कर संगा। मिट्टी का कण हवा का साथ करे तो आसमान की ऊंचाई पर जा सकता है, और वही मिट्टी का कण दुर्भाग्य से नाली में गिर जाए तो कीचड़ बन जाता है। कण वही है, संग किसका किया यही सारा खेल है। सत्य का संग करने से जीवन में चैतन्यता बढ़ती है, और चैतन्यता बढ़ने से मेरे भाई बहनों आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की तलाश में सारा संसार भटक रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त जीव आनंदित होने का तो प्रयास कर रहे हैं। आप धंधा क्यों करते हैं? व्यापार क्यों करते हैं? दो पैसे कमाएंगे आनंद मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं बैग पीछे टांग के? पढ़ाई कर लेंगे कुछ ज्ञान मिलेगा आनंद मिलेगा। भोजन क्यों करता है इंसान? स्वस्थ रहेंगे आनंदित रहेंगे। मकान अच्छा क्यों बनाता है? आनंद से रहेंगे। ये सब क्रियाएं आनंद के लिए ही है। आप जितने भी भाई बहन इस सभा में बैठे हैं सुबह से शाम तक जो भी कृत्य आप कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सबका मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। बताइए आप सब आनंदित हो गए? दिखता तो नहीं है। अगर अंदर आनंद होता तो होठों पर मुस्कुराहट होती ना। आनंद कभी छुप नहीं सकता। अग्नि को ढक भी दे तो ऊपर की वस्तु को गर्म कर देगी, वो छुपती नहीं है। उसी प्रकार भीतर अगर हृदय के अंदर आनंद है तो वह होठों पर मुस्कुराहट बनकर के उभरेगा ही उभरेगा। सत्य है कि 99% लोगों के जीवन में आनंद नहीं है। 100 लोगों को पूछोगे भाई जी कैसे हो, 2 लोग कहेंगे कि राम जी की कृपा से मौज है, बाकी 98 लोग मुंह लटका के यही कहेंगे अरे काई बतावा भाई जी, मनक जुन मली है, काट लिया। काटने के लिए 83,99,999 योनियां हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जीवन हंसते मुस्कुराते आनंद में व्यतीत होना आवश्यक है। मुस्कुराओगे नहीं तो भली दुनिया के सारे गहने पहन लो और अच्छे कपड़े पहन लो तो भी आप अच्छे नहीं लगोगे, और साधारण वस्त्रों में भी अगर आपके होठों पर मुस्कुराहट है तो आप बहुत खूबसूरत लगोगे। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के तो सच कहें तो मानव भी मानव नहीं कहला सकता। 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े तैरने वाले उड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले नभचर छलचर उभयचर। आपने कभी किसी इंसान के अलावा किसी भी जीव को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? बोलो छोटू, आपने किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं ना। और अगर किसी दिन आपको कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए
तो समझ लेना ये गधा अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी चालू है। और कोई इंसान अगर 24 घंटे मुंह लटका के बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझ गया आप लोग, हमें वो नहीं बनना। हर व्यक्ति प्रोग्रेस चाहता है। थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा चाहता है कि मैं आगे फोर्थ फिफ्थ क्लियर करूं। कलेक्टर चाहता है कि मैं आयुक्त बनूं। चपरासी चाहता है कि मैं मास्टर बनूं। कंप्यूटर चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो भगवान ने हमको इंसान बनाया है। हमारा भाव होना चाहिए कि हम देवता बने। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो प्रोग्रेस करके हम देवता बने। और देवता बनना बड़ी बात नहीं है। गीता जी के 16वें अध्याय को मान लो, अपने आप देवता बन जाओगे। अभियम से तुम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य गच्छ स्वाध्यास्तव अर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिर पेशनम दया भूते सलोलतम मर्दम हितर चापलम तेजक समाग्रति सोच मित्रो होनाति वानिता भवन्ति संपदम देवीम बीजातिश्च वार्ता। ये देवताओं की संपत्ति है, ये आपके पास आ गई, आप देवता हो जाओगे। भैया विसल भी आ रही है और हमिंग भी आ रही है, इफेक्ट नहीं चाहिए, समझ लीजिए, प्लान कर लीजिए मेरे लिए। अब प्रश्न पैदा होता है कि देवता कैसे बने। तो ये जो 16वें अध्याय का आधा हिस्सा है, आधे हिस्से में तो राक्षस बनने के फार्मूले हैं, नीचे वाले में तो पहले देवता बनने का फार्मूला बताया है। ये जो फार्मूला है देवता बनने का, इस सारे फार्मूले के लिए साधन सिर्फ एक ही है, धेनु शरणम गच्छामि। गाय माता के बिना गीता जी के 16वें अध्याय का पूर्वार्ध हिस्सा कभी सफल हो ही नहीं सकता। और वो सफल हुए बिना मेरे भाई बहनों हम कभी देवता तो छोड़ दीजिए मानव भी नहीं बन सकते, फिर तो दानव बन जाएगा। और वो तब संभव है जब हमें गाय माता की दिव्यता का एहसास हो। हमारे दिल और दिमाग में 800 सालों की गुलामी ने एक चीज स्पष्ट रूप से लिख दी है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। और उसी ने हमारी जान की सारी जो परेशानियां है वो खड़ी कर दी है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गावो विश्वस्य मात्रः मात्रः सर्वभूतानां गावः जगन मात्रम। ये सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि गाय माता पशु नहीं है, गाय माता प्राणी नहीं है, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है, गाय माता जानवर नहीं है, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से आप अवलोकन करेंगे तो आप लोग खुद पाएंगे कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं के समान है। ऐसी दिव्य गाय माता की महिमा आप लोगों को 7 दिन तक सुनने को मिलेगी। अगर आप सावधानी पूर्वक सप्तदिशी गौ महिमा को श्रवण कर लोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस पृथ्वी पर भ्रमणरत भगवंत के दर्शन सहज हो जाएंगे। ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं है। जिसके पीछे कन्हैया घूमे बस उसका पीछा आप कर लो, कन्हैया आपको खुद ही मिल जाएंगे। हम दौड़ तो रहे, हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन सही रास्ता जो है उस पर जाते नहीं। मैं ये नहीं कहता कि पूजा पाठ मत करिए, मंदिर मत जाइए, ये भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, ये सब भी जरूरी है, ये करिए। लेकिन जब तक गैया आपके जीवन में नहीं है, कन्हैया दूसरे मार्ग से मिलेंगे नहीं। वो दूसरे मार्ग भी तभी ही फलित होंगे जब वो हमारे जीवन में होगी। और आज वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है भाई? आप जितने भी भाई बहन हैं इस सभा में, अगर आप अपना इतिहास उठा के देखो तो आप सभी यही कहोगे कि 40 साल पहले मेरे पिताजी के पास 10 गायें थी। कोई कहेगा 50 साल पहले मेरे दादाजी के पास 200 गाय माताएं थी। कोई कहेगा 20 साल पहले मेरे पिताजी 1 गाय माता रखते थे। इतिहास उठाएंगे तो सबके परिवार में गाय माताएं थी, आज क्यों नहीं है? कारण सिर्फ एक ही, हमको महिमा का पता ही नहीं है। हीरा आपके हाथ में है, डायमंड आपके पास में है, लेकिन अगर पहचान नहीं है तो उसको कंकर समझ करके आप रख दोगे। लेकिन जिस समय पता चल गया कि तो बहुमूल्य रत्न है, आप मालामाल हो जाओगे। पता चलते ही कि बस यही पता चलने की प्रक्रिया का मार्ग है सत्संग। तो 7 दिन की जो कथा होगी उसमें गाय माता के भीतरी तत्वों को बारीकी से आपको कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी सुनाएंगे। आप सुनना, मैं तो ऐसे मार्ग से गुजर रहा था, कार्यकर्ता माने नहीं और उठा के लाके बिठा दिया। तो इसलिए शुरुआत में केवल 5 मिनट ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं मैं तो। बस आप लोग एक चीज याद रखना, एक क्षण का सत्संग आपको अध्यात्म जगत की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है।
इन सात दिनों में कोई एक चीज भी बारीकी से पकड़ लोगे तो आपका जीवन महान बन जाएगा। गाय माता की कथा देखो, बाकी कथाएं सब देवताओं की होती है, होनी ही चाहिए, लेकिन अन्य कथाएं आपका परलोक सुधारने के लिए है। चाहे शिव महापुराण हो, चाहे श्रीमद भागवत महापुराण हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, लेकिन गौ कथा आपका ये लोग भी संवार देगी और वो लोग भी संवार देगी। दोनों लोगों का संवारने का एक साथ काम गौ माता करती है। जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु के अंत तक हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्सों को मौजमय बना दे। जी तो हम सब रहे हैं, लेकिन बिना मौज के जो जी रहे हैं वो मौजमय जीवन जीने का साधन गाय माता है। अभी हमारी दृष्टि में गाय एक पशु है और बिचारी है जिसपे दया करके हमको घास डालनी है। बाहर से 5 रुपए की घास खरीद करके अंदर डालने वाला ये नहीं जानता है कि मैं जिसको घास खिलाने जा रहा हूँ वो भगवान की भी भगवान है। वो तो यही सोचता है कि बिचारी भूखी गाय है, थोड़ा सा खिला दो, ये बिचारी नहीं है। अगर सबरी राम जी को बेर खिलाते हुए सोच लेती कि ये बिचारा भूखा इसलिए बेर खिला दो तो सबरी का मोक्ष नहीं हो पाता। वो जानती थी ये भूखा तो नहीं है, तो जगत की भूख मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन मेरा एक बैर खा लिया तो जगत भगत के बैर को खत्म करके मुझे मेरे दिव्य लोक में पहुंचा देगा। ये बात जानती थी इसलिए खिलाया। बस जब तक जानेंगे नहीं हमारे मन में दीन भाव बना रहेगा। ये दीन नहीं देव भाव वाला विषय है। स्वरूप तो भगवान हमेशा ही दीन बनाते हैं। जब जब भी भक्तों के पास जाते हैं, राजा बलि पर कृपा करनी थी तो कौन सा भगवान भगवान बन के गए, वो तो मांगने वाला बन के गए कि थोड़ी सी जमीन दे दो। केवट के पास गए तो मांगने वाला बन के गए कि भैया नाव में बिठा दे। सबरी के यहाँ गए तो मांगने वाला बन के गए मैया कुछ खिला दे। द्रौपदी के पास गए तो मांगने वाला बन के गए कि भूख लगी है कुछ तो खिला दे। जब जब जिस जिस पर कृपा की है, चाहे हनुमान जी के पास गए तो मांगने वाले बन के गए कि हनुमान सीता से मिला दे। सुग्रीव के पास गए तो मांगने वाला बन के गए। विभीषण के पास गए तो मांगने वाला बन के गए, विभीषण प्लीज हेल्प मी, रावण से युद्ध करना है। इतिहास उठा के देखिए ना आप, भगवान के संपूर्ण चरित्र को देखिए। जिस जिस पर कृपा की उसके सामने दीन बनकर के ही गए, दाता बनकर के कहीं नहीं गए। ये दीन बनकर के हमारे नगर में इसलिए खड़ी है कि हम इसको कुछ दे करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर ले। बस इसी बात को ठीक से समझने के लिए ये सप्तदिवसीय सत्संग हमको परमात्मा ने भगवती ने बहुत कृपा करके दिया है। किसी भी सत्संग की सफलता के लिए मेरे भाई बहनों सर्वप्रथम देवताओं से प्रार्थना और आह्वान होता है। सजरो माताओं, ये कथा आप और हम इस युग में संपन्न कर सके ये संभव नहीं है। कथा का मैनेजमेंट आप और हमसे हो नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा आपको, लेकिन मेरी आदत है सत्य कहने की। कार्यकर्ता सोच रहे होंगे हमने ये व्यवस्था कर दी, टेबल लगा दिया, साउंड लगा दिया, टेंट लगा दिया, इन सब से कथा नहीं हो सकती। दीदी सोचेगी मैं आ गई हूं, मैं कथा कर लूंगी, इनसे भी कथा नहीं हो सकती। सत्संग के सबसे बेस्ट मैनेजर हनुमान जी महाराज इस दुनिया में। हनुमान जी महाराज ही सत्संग को आयोजित करवा करके अच्छी तरह से संपन्न करवा सकते हैं। तो हम सब उन्हीं से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपको निवेदन तो किया मंदिर आके, अब 7 दिन आप यहाँ विराजो और इस कथा में रह करके हमारी इस कथा की सारी व्यवस्थाएं भी देखो और इस कथा का श्रवण करो, और आपकी उपस्थिति में हम भी श्रवण करेंगे तो कथा हमारे भीतर बैठ करके हमको वैकुंठ में बिठाने लायक बना देगी। तो सभी कुछ क्षणों के लिए हाथ जोड़ ले। हनुमंत पधारिए, गौ कथा कहें मति अनुसार, सुख सुंदर गादी धरे, विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सज्जन माताओं, कथा की पूर्ण सिद्धि के लिए देवताओं का आह्वान और देवताओं की वंदना होती है। आपके यहाँ साक्षात गोबरिया गणेश जी विराजमान हैं, जो गोबर से प्रकट हुए हैं। गणेश जी की मूल उत्पत्ति ही गोबर से हुई है, तो गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं की जो परम आवश्यक वंदना के साथ कथा प्रारंभ होगी। समय 2 बजे का है कथा का, आज 2 बजे से प्रारंभ होगी। अभी सिर्फ स्थापना सत्र था,
और मैं भी थोड़ा सबने कहा तो मेरे मन में भाव आया, अरे कलयुग में जिला हेडक्वार्टर पर कथा करने की करवाने की हिम्मत करने वाले है कौन, मैं भी तो दर्शन कर लूं, इसलिए मैं भी रुक गया। रात को ही निकलना था, वास्तविकता तो ये है, लेकिन आप सबका जो भाव है वो श्रेष्ठ है। बस आप तो भयमुक्त होकर के सबको सूचना करिए, माता रानी सबको संभालेगी और सबको कथा का लाभ देना सबको दिन में। वैसे तो समय 2 बजे का ही दिया हुआ था, इसलिए अभी सभी नहीं पधार पाए, सबको भी अचानक सूचना नहीं हुई होगी। पुनः एक बार आप सूचना अधिक से अधिक भाई बहनों को कर देना कि 2 बजे ठीक कथा सुनने पधारें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन पधारें, ताकि कथा के श्रवण से मन पवित्र हो और कथा में सुनी हुई बातों के आचरण से जीवन के समस्त दुख मिट जाए। तो आप सब इस प्रयास के साथ, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि कुछ लोग कथा में नहीं आए भागवत जी सुनने के लिए। सुखदेव जी जब प्रथम बार बार कथा कर रहे थे, तब प्रभु ऋषि घर घर जाकर के उनको बुला के लाए। अब प्रभु ऋषि कोई साधारण हस्ती तो है नहीं जो भगवान नारायण के पेट में लात मार सके, वो कुछ साधारण हस्ती तो नहीं हो सकते। वो प्रभु ऋषि हर घर जाकर के हाथ जोड़ के लाए, कुछ अहंकार वश नहीं आए, कुछ समय के अभाव से नहीं आए, कुछ धन की अतिवृद्धि से नहीं आए, तो कुछ धन के अभाव से नहीं आए। तो भृगु ऋषि उनको समझा के सबको एक एक करके लाए थे, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। तो आप भी भृगु ऋषि के भावों को अपने हृदय में रख करके अपने अपने पड़ोसियों को सबको सूचित करना और 2 बजे सबको गोकथा में लेकर के आना, ताकि इस गोकथा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, उनको लाभ मिलेगा, वो गौ सेवा में लगेंगे और आपके कारण वो गौ सेवा में लगेंगे, इसलिए उसका पुण्य आपके हिस्से में भी आएगा और साथ में सिर्फ पुण्य ही जाएगा। बाकी तो ये दुनिया की सारी दौलत यही छूटनी है, धागा भी नहीं रहने देंगे परिवार वाले, लेकिन साथ में पुण्य आता है। पिछले जन्म में जो पुण्य किए उसका फल अभी भोग रहे हैं सुख प्राप्ति के रूप में, अभी जो पुण्य करेंगे वो आगे भी हम सबके काम आएंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक लोगों को सूचना देना, आप सबका कल्याण होगा। अब अभी की स्थापना की आरती आपको दीदी जी करवाएगी, मेरा समय हो गया इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो आप सबका जीवन मंगलमय बने, दिव्य बने, उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कुछ क्षणों के लिए आप लोग हाथ जोड़ लें। शांति भवान कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां सबाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च सप्तव्रताश्च रोग नश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु ब्रहिवर्षतु कृषकणां सुभिक्षकाले प्रजन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यस्य कालेस्थ सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी निरोगी रहें, आधा वादा आपके जीवन में नहीं आए, तंत्र मंत्र आपको नहीं सताए, भूत प्रेत इत्यादि आपको परेशान नहीं कर पाए, धन धान्य वैभव आनंद सदा आपके आंगन में निवास करें और जब जगत छोड़ करके जाने का वक्त आए भगवती की कृपा से आप सबको उत्तम लोक प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ ओम अस्तु नारायण। बोलो गौ माता की। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहना, आगे की सूचनाएं भी दीदी जी देंगे, आपको आरती करवा करके फिर आप लोग पधारे। आप सबने जो स्नेह दिया उसके लिए आप सब नगरवासियों को साधुवाद। गुरुदेव भगवान की। आज हम सबका परम सौभाग्य था कि अकस्मात हम सबको परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और आशीर्वचन सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से ठीक 7 दिनों तक प्रतिदिन यहाँ पर गौ माता जी की कथा का वाचन होगा। कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। आप सबको जिस प्रकार से सूचना है, सबको अपने घर से जल का पात्र लेकर के आना है। आप अभी भी माता बहने लेकर के आई होगी और जो भी माता बहने अभी नहीं पहुंच पाई है सबको कहना है कि 2 बजे आप सबको जल का पात्र लेकर के कथा में पहुंचना है। जो भी पुरुष बंधु अभी समय या सूचना के कारण नहीं पहुंच पाए हैं सूचना के अभाव में, सबको 2 बजे की कथा में आमंत्रित करना है और ज्यादा से ज्यादा
भक्तों तक ये सूचना पहुंचानी है कि गौ कथा होने वाली है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि राम कथा भागवत कथा जगह जगह होती, लेकिन गौ कथा हमें बहुत विरला सुनने को मिलती है। ये तो कोई जैसलमेर वालों के सौभाग्य है, पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म कर रखे आप लोगों ने कि गुरुदेव भगवान की कथा और गुरुदेव भगवान के दर्शन आप लोगों को बार बार प्राप्त हो रहे हैं। बाकी कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो हम ठीक 2 बजे गणपति स्थापना करेंगे, गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे और उसके बाद कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो अब आरती करेंगे। आरती के लिए जो भी सदस्य है वो खड़े हो जाए, आज आरती के जो भी यजमान है। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। चांद सूरज जाके नैना बिराजे, श्रृंग शिखर पर विष्णु जिराजे। रोम रोम जरो ऋषिया सुसाजे, प्यारी छवि से सब रामनिया लाजे। ऐसी गो माता की छवि में निहारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। जिह्वा से गौतम की दृष्टि लुटाई, भूप का कुस्त को विजय दिलाई। धरणी ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से हर घर में खुशियाँ छाई। आचल से बाबा का आंगन बुहारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती। गोबर में मैया की कमला निवासा, प्रसवे मैया जी की विमला का वासा। घीरत जलाने से सुधरे श्वासा, सारे जगत की थे जननी हो मासा। ऐसे है मैया जी पे तन मन मिवारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। चहोर पुरुषार्थ चारों खुरो के, धर्म हित लड़ते बुरो बुरो से। वाहन बने हो शिव गुरु के, गगन सवारो अपने सुरो से। कीरत बाबा की मैं किस विधा बिचारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। दुख हरता नंदी की आरती उतारू, सुख करता गौ माँ की आरती उतारू। दिलीप सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रो यश सब जन गावे। सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब ही मीट जावे। सेवा से अपना में जीवन सवारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती। शंग मृदा शुभ प्रतिष्ठा में अर्पण, पुच्छ जल सप्त पितरों का तर्पण। सकल जगत हित जीवन समर्पण,
एक ही तन सब देवों का दर्पण, बाबा की सेवा में सुध बुध बिसारू, दुख हरितानंदे की आरती उतारू, सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरितानंदी की आरती उतारू, सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चरावे, कली में संग करणी जी आनंद मनाए, सब युग में मैया हो कष्ट निवारू, दुख हरितानंदी की आरती उतारू, सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरितानंदी की आरती उतारू, कर्पूर गोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, सर्वमंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय गोमाता जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता जय जय गुरुदाता, बोलो गोमाता की।